जी न्यूज इंडिया आप सभी देशवासियों से अपील करता है, समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं और संभवतः घरों से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप सुरक्षित, देश सुरक्षित। भगवानपुर पुलिस ने किया लूट का खुलासा। भगवानपुर थाना अध्यक्ष पीडी भट्ट के नेतृत्व में जहां एक बार फिर क्राइम जीरो रेट पर काबिज हुआ है, वहीं इसकी वानगी भी किसी से छिपी नहीं है, जिसकी ताजी मिसाल हम खबर के माध्यम से दिखा रहे हैं। भगवानपुर थाना पुलिस एक बार फिर लूट का खुलासा कर सुर्खियों में बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर थाना पुलिस आला अधिकारियों का मन भी अपनी ओर खींच रहे हैं, जिसकी ताजी मिसाल उस वक्त देखने को मिली जब लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को भगवानपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर खानपुर चौक के पास आम के बगीचे में गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपी भगवानपुर थाना क्षेत्र के खानपुर के रहने वाले हैं, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। वही सभी अपराधियों से लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया गया है। मामला ये है कि यहाँ पे एक जो आपका करंदी में सुरक्षा फार्मेसी दवाई की कंपनी में, इसमें एक पम्बू नागा श्रीनाथ राव नाम के व्यक्ति जो वहाँ पे फैकल्टी हैं, वो 14 तारीख को रात्रि में जब अपनी ड्यूटी ऑफ करके निकले थे तो उन्हें कुछ अज्ञात लोगों ने घेर करके उनके गले से चेन लूट ली थी और उनके हाथ से अंगूठी छीन ली थी। इसके संबंध में कल उन्होंने थाने में आके तहरीर दी थी, इसमें हमने प्रॉपर उसमें FIR दर्ज की, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें चार लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया गया। तो सर जो इनका आपराधिक इतिहास देखा जा रहा है, अभी इसका पूरा डेटा देख रहे हैं, अगर कोई आपराधिक इतिहास इनका पाया जाता तो इनके खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गैंगस्टर की कार्रवाई के निर्देश दिए।